शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना क्या थैंक शुक्रिया अदा कहना करना चाहती हूँ। और हमारी गैस आएगी तकरीबन 11:30 बजे, हमारा गैस आया है और बहुत ही कम आया, इतना तेज नहीं बैठा आया, अभी कम आ रहा है। ये तकरीबन 1 घंटा रहना है, इसने वापस चले जाना है। और तकरीबन रात को ये हमारी जो गैस है तकरीबन 8:30 से लेके 1/2 घंटा रहती है, बंद फिर बंद हो जाती है। पूरे मोहल्ले की गैस जो होती है, हमने 4 करोड़ की गैस जो है वो माशाल्लाह अंदर मैंने दर्जे पर रहती है। और उसके बाद रात के तकरीबन 9:30 बजे पूरी तरह टोटली गैस बंद हो जाती है। तो ये हाल है हमारे मोहल्ले का, हमारे घरों का, हमारी वाम का, हमारे हुक्मरानों का। तो किसे बताएं, किसे कहें, जिन लोगों के पास सिलेंडर हैं वो तो अपना अपने बच्चों अपना और अपने बच्चों को पेट पूजा कर लेंगे टाइम से, और जिनके घरों में ये वसाइल नहीं है वो क्या करेंगे, उनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई हल भी नहीं है, कोई और चारा भी नहीं है, वो इंतज़ार ही करेंगे कि ये देखें ये हाल है गैस का, कभी कम होती है, कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है, किसको बताएं। कभी तो हमारे मीटर में खराबी है, पूरे मोहल्ले के मीटर बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, जो हमारा मीटर वो तकरीबन 0 पे है, बिल्कुल स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि उसके साथ हमारे जो 7 वाला मीटर है उसके 3-4 नंबर चले जाते हैं, यूनिट गिर जाती है, हमारा एक भी पूरा नहीं होता, एक यूनिट भी पूरी नहीं होती उसकी नंबर की गिरने। तो बच्चे कब के बैठ के बेचारे इंतजार कर रहे थे, रात को गैस आए और हमें मामा रोटी बना के खिलाए, खाना बना के खिलाए। तो जिनके शोर जिनकी आमदनियाँ ज़्यादा थी, जिनके वसाइल ज़्यादा, वो तो उनके घरों में तो कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उनकी खवातीन को जिनके वालदैन की आमदनी ज़्यादा है, तनख्वाहें ज़्यादा हैं, वसाइल अच्छी हैं, उनको भी कोई मसला नहीं है। तो क्या करें, किसको बताएं अपना हाल, अल्लाह यह जो हम जैसों की कभी मदद अता फरमाई, इसके अलावा कोई हाल नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो बाहर से कमा के लाते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं बाहर से। मर जा सफा तो मेरी रोटी का।